एक बार जोर से प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द वर्किंग टीम ऑफ फ्रेडरिक. यस, सो वी गोइंग टू पास द माइक अराउंड. आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो वी विल, कैन वी हैव अ माइक पास अराउंड एनीवन? इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज यू कैन रेज योर हैंड्स. एंड यस, आइए थोड़ा थोड़ा सा आगे आइए. Rajesh ji? Yes, we have a question. We have a question right there. Yeah. Rajesh ji here. Haan ji bol. Namaskar. Namaskar. Sir, my compliments. Thank you very much. Jo kuch dekha bada hi interesting laga. अच्छा, क्या ये सही है कि इस फिल्म को बनाने के लिए आपने महीनों तक कोई हिंदी फिल्म नहीं देखी थी? नहीं, मैं शायद 3 साल हो गए एक फिल्म नहीं देखी अभी तक. और क्या वजह थी हिंदी फिल्में न देखने की? नहीं, हिंदी फिल्मों की बात नहीं है, फिल्में बहुत देख चुका था इसके पहले. अब फिल्म बनाना था मुझे, तो डिस्टर्ब होना नहीं चाहता था मैं. एक ही धुन थी कि ये फिल्म को मजबूत और बहुत बेहतर बनानी है, क्योंकि हर चीज नई सोचनी थी मुझे. ये पूरी फिल्म के बारे में एक बात बता रहा हूँ कि कोई भी सीन, स्टोरी या कोई भी ऐसी बात किसी फिल्म से मिलती हुई नहीं मिलेगी आपको. ये 100% नए कॉन्सेप्ट पे, नए तरीके से फिल्माई गई फिल्म है. सारे सीन एकदम नए, जिसे आपने शायद देखा होगा, सॉन्ग्स भी देखे, ट्रेलर देखा, अपने आप में एक नयापन जरूर दिखा होगा आपने. वैसे फिल्म भी है, कंप्लीट नएपन के साथ है. और इस फिल्म में जो घटनाएं घटती है एक के बाद, आपको आप जज नहीं कर पाएंगे इसके बाद क्या होगा. शॉकिंग है, हर 5 मिनट 10 मिनट के अंदर एक शॉकिंग चीज मिलती रहेगी. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों एक साथ इस फिल्म में चल रहा है. और इसको कैसे मैनेज किया मैंने, शायद इसके लिए काफी वक्त लगा. बस और कुछ. राजीव जी, आपके लिए सवाल है. हाँ बोलिए. अब तक आप डायमंड परखते थे, अब सिने अभिनेता अभिनेत्रियों को परखेंगे, तो ये डायमंड बिजनेस से फिल्म बिजनेस में आप कैसे आए? ज्यादा डायमंड में और इस फिल्म में फर्क है नहीं मैंने देखा, क्योंकि डायमंड को तराशना पड़ता है, कच्चे को पॉलिश डायमंड करना होता है. काफी कुछ चीजें हैं जो डायमंड में जो मैंने सीखा वो फिल्म में काम आया. यहां तो खैर जीवंत लोग थे तो उनको चलाना मेरे लिए आसान था, नहीं तो निर्जीव जो हीरा होता है कच्चा, उसको तराशना, उसको बेटर करना वो टफ होता है. तो टफ काम मैं पहले कर चुका था. सर, किसी को असिस्ट किए बगैर एक पूरी फीचर फिल्म डायरेक्ट करना कितना चैलेंजिंग रहा था? देखिए, शुरुआत में कुछ दिनों तक मुझे लगा था, मगर मैंने ग्रिप कर लिया बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि एक उम्र तो गुजार चुका हूं मैं बचपन से फिल्म देख के सोचते हुए. जब फिल्में देखता था तब मुझे उसमें कमियां ढूंढता था हमेशा. हर फिल्म में मैं कमियां ढूंढते रहता, शायद मैं होता तो ये नहीं करता, ये होता मतलब ये नहीं किया होता मैं. तो दिमागी तौर पे फिल्में तो बना रहा था काफी बार. मैं ख्यालों में बहुत फिल्में बनाई मैंने जो रिलीज नहीं हो पाई, मगर बाद में एक मौका मिला. हमारे दोस्त मनीष जी जो मेरे परम मित्र है, 15 साल से काफी करीब है हम, इन्होंने मुझे पुश किया फिर तो फिल्म बना, तो डायमंड में नहीं तो फिल्म लाइन में आ जा. तो फिर मैंने इस लाइन में फिर कदम रख दिया अपना, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ते गया. फाइनली ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन बनकर निकला है. जो हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं सभी लोगों ने काफ़ी तारीफ की इस फिल्म की. और पेस है फिल्म में बहुत ज़बरदस्त, शायद कमी हिंदी फिल्मों में इतना पेस मिलता है. ब्रीदिंग पॉइंट सिर्फ सॉन्ग्स मिलेंगे आपको इस फिल्म में, बाकी आपको एक गति पकड़ी हुई फिल्म है. अच्छा, आप दूसरी फिल्मों में कुछ कमियां निकालते रहे, अपनी फिल्म जब आपने खुद देखी होगी तो आपका क्या मानना था? तो मैंने कई बार देखा ना, मैं कमियां निकालते गया, फिल्म बना के कमियां निकालते गया, निकालते 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 आखिर में देखा कि कमी है ही नहीं, अब वो फिल्म बन गई. अच्छा राजेश जी, सांगीतिक हस्तियों का इतना अच्छा तालमेल आपने कैसे बनाया? सॉरी, हाँ जी सर. सांगीतिक हस्तियों का इतना अच्छा तालमेल आपने कैसे बनाया? खासतौर पर अपने संगीतकार के बारे में कुछ बताएं, इनका इनसे संपर्क और इनका आगे. संजय जी के बारे में, संजय से मेरी मुलाकात हुई थी 3 साल पहले, तो
इन्होंने अपने कुछ म्यूजिक सुना रहे थे मुझे, तो इनमें बहुत इनमें जो उसको कहते हैं सोल था, इनके म्यूजिक में जो एक गहराई थी, मैंने उसी समय में कहा था कि हम साथ में म्यूजिक करेंगे। पहला गाना इनसे मैंने करवाया था तेरा जिक्र, शानदार ने गाया बहुत बेहतरीन तरीके से, रीमा जी जो हमारे साथ हैं इन्होंने जादू कर दिया उसमें। और उसके बाद एक पे गाने बनते गए, काफ़ी मेहनत हुई सॉन्ग्स में, डेढ़ साल लगातार हम मेरे दादा लड़ते रहे झगड़ते रहे एक एक चीज़ों में, वही कमियां निकालने वाली बात जो मेरा जो मेरे लिए सभी को बहुत दादा इरिटेट काफ़ी हुए मेरे साथ, बहुत इरिटेट हुए, छोटी चीज़ पकड़ता था नहीं ये नहीं चलेगा ये नहीं चलेगा, इस तरह से फिल्म गाने बन गए। और क्या तुलना आपकी पहली फिल्म है, कैसे अनुभव रहे आपके, और पूरा आसमान पड़ा है उड़ने के लिए, बताइए आप, नई नई पौध हैं आप बॉलीवुड की, कैसे अनुभव रहे फिल्म में काम करने? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा ही था, फर्स्ट मूवी था, एक्साइटमेंट तो बहुत था है, और मुझे नहीं लगता ये एक्साइटमेंट वापस कभी आएगा क्योंकि फर्स्ट मूवी था है, तो उड़ती गई अभी भी उड़ी रही हूँ। के से सवाल है, के बहुत शानदार आपने गाना गाया है, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू जी, थैंक यू। छा गए आप मतलब, थैंक यू थैंक यू। हाँ शान भी बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन आज आप महफिल आपने लूटी है। वो क्योंकि शान के सिर्फ चार लाइनें थी पूरा गाना सुना दिया आपको के आप कम गाते हैं, ये मैं सवाल अभी हमारा शुरू हो रहा है, कम गाते हैं आप बहुत, और तमाम नई पीढ़ी के जो गायक उनके आप आदर्श बने हुए हैं इस समय, तो ये जो नई पीढ़ी आई है और एक आपकी पीढ़ी है, किस तरह से आप देखते हैं इसको, पूरे म्यूजिक सिनेरियो को जो पूरा बदल चुका है उसको आप किस तरह से देखेंगे? अगर आप देखें आज से 20 साल पहले तो हमारे सीनियर जब थे तभी भी बदलाव आया था, तो समय के साथ साथ तो बदलता रहे सब कुछ, नए एक्टर्स आते हैं, नए सिंगर्स आते हैं, नए म्यूजिक डायरेक्टर्स आते हैं, लिरिसिस्ट आते हैं, तो हम लोग भी कोशिश यही करते हैं कि एज सिंगर्स की हम सबके साथ काम कर पाएँ, उन म्यूजिक डायरेक्टर्स को अंडरस्टैंड कर पाएँ, और गाने की जो है पहचान जो होती है वो मुझे लगता है कि असली पहचान होती है लिरिक्स और जो मेलोडी को उसका तालमेल जो है वो सिंगर बस निभा जाए तो बस गाना चल जाता है। युवा पीढ़ी जो है आजकल के जितने भी नए सिंगर्स हैं सब बेहतरीन है, मुझे लगता है कि सबकी कुछ अनेक कुछ कुछ स्पेशल बात है, कुछ USP है जितने भी नए सिंगर्स आए हैं, तो इसीलिए वो टिके हैं और इसलिए उनको मौका भी मिला है, तो अच्छा है। जितने भी ऐसे ना मुझे लगता है ये बाग है, जितने भी फूल अलग अलग किस्म के हों तो बहुत अच्छा लगता है बाग, एक ही टाइप के फूलों में बोरियत होती है, सुगंध भी वैसी रहती है, तो अच्छा लगता है कि सब मिक्स हो और सब लोग अलग अलग गाने सुने, अलग अलग वॉइस को सुने, तो एक हमको भी अच्छा लगता है, हम जो यहाँ पर काफी टाइम से टिके हुए हैं हमें भी लगता है नए आ रहे हैं, अच्छा लगता है सुनते हैं यार ये अच्छी आवाज है, बहुत अच्छा लगता है, कुछ नई समथिंग न्यू, करेक्ट? सो या इट फील्स वेरी गुड टू बी पार्ट ऑफ दिस म्यूजिक इंडस्ट्री। शान से सवाल है, शान अभी आप म्यूजिक डायरेक्टर बन चुके हैं और एक सिंगर के तौर पर कितना आप पर अब दबाव पड़ता है? जब आपने कहा के आप कम गाने गा रहे हैं मैं तभी डर गया कि मेरी जब वक्त आएगी आप क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे मुझसे, के तो फिर भी साल के 10-12 हिट गाने करते हैं, मेरे तो 12 साल में एक नहीं आई है, तो लकली आपने कोई अच्छा सवाल पूछा। हाँ मैं आजकल कंपोजर हो गया हूँ इसलिए ध्यान उस तरफ ज़्यादा है, लेकिन मैं मेरे पिताजी भी कंपोज़र थे और बचपन से मैं अपने घर में वही माहौल था, मैं देखता था किस तरह से गाने बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी एक चाहत तो थी कि किसी पॉइंट पर मैं ज़रूर संगीतकार बनना चाहूँगा, लेकिन जब वो वक्त आया तो देखा कि बहुत ही मुश्किल वक्त है आज के वक्त में। संजय भी बताएगा, संजय से मैं जानता हूँ अभी 10 साल से, मैं संजय के साथ जब हम पहला काम किए थे उसको शायद 8-10 साल हो चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन कंपोज़र है, बहुत अपना गिटार पर अपनी अपनी खुद की आवाज़ पर जब वो गाना सुनाता है इमीडिएटली गाना दिल तक पहुंचता है, तो ऐसे बहुत सारे बहुत ही होनहार टैलेंटेड कंपोज़र्स हैं जो लगे हुए हैं जुटे हुए हैं, और अब तो ऐसा माहौल है कि मौका मिले तो आप भी कंपोज़र बन सकते हैं, तो इस माहौल में मैंने ये कदम रखा है कंपोजिंग करने का, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, देखते हैं क्या। मेरा तो एक गाना पक्का ही है ना? नहीं नहीं वो तो डन है